नहीं। और जमकर निशाना साधा राज ठाकरे ने शरद पवार और अजीत पवार पर। वहीं भंडारा में ट्रिपल मर्डर के बाद में गृहमंत्री आर आर पाटिल यहां पर पहुंचे हुए हैं और पत्रकारों को संबोधित भी कर रहे हैं। आता ते अनेक वेळा एखाद्या घटना घडल्यानंतर अनेक क्लू मिळत असतात, अनेक पद्धतीने पोलिसांना तपास करावा लागतो। आता ते सगळं व्हेरीफाय करत असताना त्यामध्ये जर काही पुरावे सापडत असतील तर ते आढळलं तर अनेक क्लू मिळत असतात, त्यातला एखादाच खरा ठरत असतो। माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऍडिशनल डीजीनी सुद्धा या तपासाबद्दल माहिती घेऊन मला रिपोर्टिंग केलंय। पोलीस योग्य पद्धतीने अहोरात्र काम करतायत। गोष्ट खरी आहे की काही गोष्टी आरोपी सुद्धा आपला कोणाला संशय येणार नाही अशा पद्धतीने प्रयत्नांची शिकस्त करत असतात, त्यामुळे मग साक्षी द्यायला कोणी पुढे येत नसेल किंवा माहिती घेऊन कोणी पुढे येत नसेल। त्याचबरोबर माग पुरावा ठेवण्याच्या बाबतीत जर आरोपींनी सगळी दक्षता घेतली असेल तर काही वेळा वेळ लागतो, पण आतापर्यंत अशा गंभीर केसेच्या बाबतीत उलगडा करण्यात नेहमीच महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाला यश आले आणि माझा विश्वास आहे की या केसमध्ये सुद्धा आमचे पोलीस यशस्वी होतील आणि खऱ्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचतील। आता तुम्ही असा अर्थ अंतिम दिशेला आला तर मग आरोपी सांगा कधी अरेस्ट करणार, आता करणार का तासाने करणार, अशा शाब्दिक मी हे तुम्हाला तिसऱ्यांदा सांगतोय की लवकरच तपास आणि तपासाचा उलगडा होऊन जाईल। दो आरोप मुख्य तौर पे किए कि एसपी को 16-17 तारीख तक जानकारी नहीं थी खबर की, और दूसरी बात पुलिस बंदोबस्त होने के बावजूद 6 यहाँ चोरियां हुई है इस इलाके में, तो पुलिस का क्या फेलियर नहीं होता? ठीक है, पुलिस बंदोबस्त कितना है और एक ठीक है मामला दूसरी दिशा में लेना मैं ठीक नहीं मानता। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस केस पर है और मेरी टीमें मेरे वरिष्ठ ऑफिसर इसमें काम कर रहे हैं। अरे बाबा ऐसा रहता है क्या 12:10 के अंदर ही आपका जांच पूरी होनी चाहिए? पुलिस अपना काम कर रही है, कितना समय देना है हमारे वरिष्ठ अधिकारी निश्चित करेंगे। एक बाउंड्री लाइन हमेशा रहती है, यहाँ तक आप कीजिए, इसके ऊपर भी इतने समय में जांच नहीं हुई तो आगे क्या करना है हम जरूर सोचेंगे। मला पहिल्यांदा 3 मुलींचे मृत्यू झाल्यानंतरची माहिती देण्यात आली होती आणि मेडिकल सर्टिफिकेट आल्यानंतर सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मला ब्रीफ केलं। ठीक आहे, महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल खुद भंडारा के लाखनी में पहुंचे, जहां पर लगातार पत्रकारों के सवाल का भी वे जवाब देते हुए गृहमंत्री आर आर पाटिल ने कहा है कि बहुत जल्द पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी करेगी और आरोपियों को शिकंजे मिलेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ।